मैं हूं आपका दोस्त और प्रतीक। चलिए आज के वीडियो में ट्राई करते हैं। देखिए आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कुछ हाई फाई टेक्निक्स के उप टेक्निक्स जो टेक्नोलॉजी से उनको कुछ सस्ते जुगाड़ ने उनका बैंड बजा दिया। देखिए ये न्यूज जो होने वाला है ऑल ओवर द वर्ल्ड का न्यूज है। मैं आपको कुछ चार पांच ऐसे हादसे के बारे में या फिर कुछ ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। शायद आपको भी सुन के कुछ फायदा होगा या फिर कुछ आपका एंटरटेनमेंट तो हो ही जाएगा। तो फिर चलिए आज के वीडियो में ड्राइव करते हैं। देखिए पहला जो वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, देखिए करीब एक साल पहले चाइना के जो गवर्नमेंट है उसने एक टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया था अपने देश के ऊपर। हर सिटीज में, हर गली में, हर जगह पे ये जो टेक्नोलॉजी था इसको अप्लाई किया। क्या हुआ था इस टेक्नोलॉजी पे, क्या जो सीसीटीवी जो कैमरास होते हैं उन सब के अंदर जो फेस डिटेक्शन जो है उसको एक्टिव कर दिया। इसके मतलब से क्या हुआ, जो कोई भी सिटीजन अगर कोई बगावत करता है या फिर कुछ अगर उसका कोई दो नंबरी का कोई या फिर कोई बुरा कोई मतलब है तो फिर क्या करता, ये जो कैमरा है ये कैमरा उसको आदमी को डिटेक्ट करके पूरी सिटीज में इसको ट्रैक कर सकता है। तो फिर जी चाइना के जो ऑडियंस है इन सब ने सोचा कि ये तो हमारे जी प्राइवेसी के खिलाफ है और इन सबको बहुत बुरा लगा। तो इन सब ने क्या किया, जो 50-60 रुपये का जो लेजर लाइट मिलता है ना उस लेजर लाइट को हर कैमरे के सामने सामने सेट कर दिया। इससे क्या हो गया, जो लेजर लाइट था उन सब के अंदर बस रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई फेस डिटेक्शन का जो सिस्टम है वो सब नहीं कर पा रहा था। तो इससे चाइना जो गवर्नमेंट है उसका उनका बहुत सारा नुकसान भी हुआ क्योंकि जो कैमरा का जो सेटअप है वो सेटअप करने में इन सबको बहुत बहुत ही खर्चा हो गया था। आप समझ सकते हैं कि हाईटेक जो कैमरा सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिनके अंदर फेस डिटेक्शन का जो ऑप्शन होता है आप समझ सकते हैं कि उन सबका क्या खर्चा हो सकता है। तो फिर चाइना गवर्नमेंट का जो ये जो नियम था, ये जो एक्शन था, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। आप में से बहुत सारे लोग जो गूगल मैप्स का यूज करते हैं जी, आप सबने देखा होगा अगर कभी भी आप सबने किसी डेस्टिनेशन पे अपना जो मार्क है वो सेट किया हुआ होगा तो देखा होगा कि गूगल का जो मैप है वो दिखा देता है कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहाँ पे ट्रैफिक लीन है, जो लाल लाइन के एरिया दिखा देता है जहाँ पे ट्रैफिक फुल जाम होता है। देखिए कैसा होता है जी, गूगल का जो टेक्नोलॉजी है, जो गूगल का जो मैप है, हर एक व्यक्ति जो GPS को ऑन करके जहाँ पे जाते जाते रुकता है गूगल क्या करता है, गूगल का मैप्स वहाँ के जो सिस्टम से उन सबको ट्रैक करता है, देखता है कि क्या यहाँ पे 5-7 लोग रुक गए तो फिर चलिए ये जगह है, ये जगह पूरी तरह से ट्रैफिक से ब्लॉक है। तो फिर गूगल का जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को किसी एक रोम ने एक व्यक्ति ने बहुत आसानी से मात दे दिया। क्या किया उसने, उसने करीब करीब 99 फोन को लिया, उन सबके अंदर जो GPS था उस GPS को ऑन करके गूगल मैप को ऑन करके बस एक साथ एक ट्रैक करके धीरे धीरे घूम रहा था। और जो एक्चुअल जो गूगल का जो रिसीवर है, मैप का रिसीवर, वो समझ रहा है क्या यहाँ पे 99 जो फोन से वो सब रुक गए हैं या फिर 99 लोग यहाँ पे रुक गए हैं यहाँ पे, इसका मतलब जो रास्ता है रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। लेकिन एक्चुअल में जो केस हुआ कि वो रास्ता जो था वो रास्ता पूरी तरह से फाका हुआ था, एकदम क्लीन था। तो फिर जी ये टेक्नोलॉजी तो गूगल का जो टेक्नोलॉजी है इसको तो मात दे दिया किसी रोम ने, एक व्यक्ति ने बहुत ही सस्ते जुगाड़ से। तो फिर चले मैं आपको एक और आसान और हमारे इंडिया में अप्लाई किया हुआ एक टेक्नोलॉजी को मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता था, अभी भी तो जो मीटर्स आ गए हैं, बिजली का जो मीटर्स आते हैं वो सब डिजिटल हो गया, लेकिन पहले आता था फिजिकल एनालॉग वाला, जो चक्री होती है ना, चक्री घूमती थी। तो फिर हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं जी, एक एक्स्ट्रा प्लेट को पूरी पतली करके काटते हैं, काट के जो उसका जो मीटर है, देखिए बिल जब चल रहा है तो फिर वही काटा जो सर्कल है वो सर्कल भी घूमता रहता है। इसके मदद से जो करंट है उसका प्रवाह, उसका जो फ्लो है और उसका जो काटने का जो रेट है वो सेम रहता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रे का प्लेट से अगर आप उसको रोक देते हैं जो हमारे इंडिया में किया गया है तो भी क्या होता है, बिजली तो सप्लाई हो रही है लेकिन जो फिजिकल जो मीटर है जैसे घूमता है उसको अगर आपने एक्स्ट्रे से स्टॉप कर दिया तो फिर क्या होगा, आपका जो बिजली तो है वो तो सप्लाई तो होती रहेगी लेकिन आपका जो बिजली का जो मीटर का जो बिल है वो हमेशा स्टॉप ही रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी तो नहीं, ये क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो हाईफाई टेक्नोलॉजीज है इन सबको बहुत ही सस्ते जुगाड़ ने बहुत अच्छी तरह से बैंड हो जाती है। तो फिर आप सब तो जानते ही हैं इंडिया में होता भी है। तो फिर चलिए अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जी। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि एप्पल का फेस लॉक। जी हाँ, एप्पल नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक बार केस हुआ था कि अमेरिका में किसी माँ बेटे ने, कभी कभी एक ही तरह के देखते थे दोनों भी माँ बेटे, आप समझ सकते हैं। तो भी क्या किया, माँ का फोन जो था उसने अपना जो बेटा था उस बेटे ने अपना फेस से अपना माँ का फोन अनलॉक कर दिया। तो फिर इसके बाद एप्पल के थ्रू बुराई से भी हुई कि क्या यार कुछ इतना महंगा महंगा फोन निकालते हो और प्राइवेसी का धज्जे उड़ गई। तो फिर देखिए
उसके बाद उस लड़के ने इसका जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरी तरीके से इंटरनेट पे अपलोड किया और यूट्यूब पे अपलोड किया, और बहुत सारा उसको क्या बोलूँ एप्पल की तरफ से बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आ गए। तो फिर जी क्या कर सकते हैं जी, ऐसा अगर टेक्नोलॉजी निकलेगा तो फिर जो फेस डिटेक्शन है या फिर जो अपना जो मोबाइल फोन का जो अपना मोबाइल फोन का जो प्राइवेसी सिक्योरिटी है वो भी धज्जा उड़ गई। और एक बात, जो सैमसंग का जो एक टेक्नोलॉजी निकला था जो आपका जो आँख को स्कैन करके, जी हाँ आईडी स्कैनर, जो ये फेस डिटेक्शन भी नेक्स्ट लेवल का है, तो ये भी टेक्नोलॉजी फ्लॉप खा गई। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, इसको फ्रॉड कैसे किया गया, किसी एक व्यक्ति ने इसका जो फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद जो आँख होते है आँखों का फोटो खींच के उसके ऊपर कोई प्लास्टिक से चला के ऐसे फोन के वो सामने पकड़ लिया और जो फोन था वो अनलॉक हो गया, सैमसंग का आयरिस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, तो गाइस क्या होता है कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जिन सबको जो स्मार्टफोन से उनके अंदर ले आते हैं, देखिए क्या होता है। ये बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी बीटा स्टेज में है, जो अभी अंडर डेवलपिंग कंडीशन में है, तो उन सबको अगर आपने सेट के अंदर ला दिया या फिर आपने खुद का जो सेट, कंपनी का जो सेट है जो मोबाइल फोन से, उनके सेलिंग बढ़ाने के लिए भी कंपनी ये सब काम करती है, तो इसके लिए ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो फेयर भी होते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो तो इतना ही था, अगर आपके इन सब वीडियो से अगर कुछ ज्ञान मिला हो या फिर कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ अगले वाले बंदे को प्लीज़ शेयर कीजिए, देखिए उसको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ अच्छा कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए सोचेगा। तो फिर गाइस वीडियो तो आज तक लिए इतना ही था, अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो तो फिर से लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।